टुडे वी टॉकिंग अबाउट बर्जर डिजीज। बर्जर डिजीज या इसको ही बोलते हैं TAO। टी यानी थ्रोम्बो, ए यानी एंजाइटिस और ओ यानी ओब्लिट्रेंस। तो बर्जर डिजीज में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की तीन लेयर होती है ना, तो तीनों लेयर है ना, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और पीरी क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग है ना, इसको बोलते हैं बर्जर डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करती है डेफिनेशन की। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है आर्टेरियल वॉल में, है ना, आर्टेरियल वॉल होती है, आर्टेरियल वॉल तीन लेयर से बनी होती है, तीनों लेयर में तीनों लेयर अफेक्ट होती है इसे, है ना। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आर्टेरियल वॉल विद इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, पास की वेन का और नर्व का, है ना। तो आर्टरी में होता है, वेन में भी हो सकता है और नर्व में भी हो सकता है। टर्मिनेशन इज विद थ्रम्बोसिस हो जाता है ऑफ द आर्टरी में। तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल होती है उसकी तीन लेयर होती है, तीनों लेयर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और फिर थ्रम्बोसिस हो जाता है ना, इसको बोलते हैं बर्जर डिजीज या TAO, थ्रम्बो एंजाइटिस ओब्लिट्रेंस। ओके, तो यह इसकी डेफिनेशन हो गई। या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना, ब्लड वेसल बिकम इन्फ्लाम्ड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और वो ब्लॉक हो जाती है विद ब्लड क्लोटिंग के साथ में, ब्लड क्लोटिंग होने से वो ब्लॉक हो जाती है। या इसकी नेक्स्ट एक डेफिनेशन और देखना, इजी रिकेयरिंग प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन। देखो तीनों लेयर में होती है ना इन्फ्लामेशन, तीनों लेयर अफेक्ट होती है ब्लड वेसल की। तो इन्फ्लामेशन एंड थ्रम्बोसिस, क्लोटिंग हो जाती है स्मॉल और मीडियल आर्टरी, है ना, आर्टरी और वेन, स्मॉल और मीडियल आर्टरी और जो वेन होती है ना, वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, उनमें क्लोटिंग हो जाती है और ऑफ द हैंड और फीट, हाथ और पैर की आर्टरी और वेन होती है उनमें। तो देखना साइट लोअर लिम में ज़्यादा होती है या अपर लिम के कंपैरिजन में, और देखना लोअर लिम की कौन कौन सी आर्टरी हो सकती है, डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी और पोपलीटियल आर्टरी। ठीक है, तो यह हो गई इसकी साइट की, लोअर लिम में यह बर्जर डिजीज ज़्यादा होती है। लोअर लिम की भी कौन सी आर्टरी में होती है, पोपलीटल आर्टरी हो गई या पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी हो गई या डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी हो गई। ठीक है, अब बात करती है, तो ये साइट हो गई, साइट होने के बाद में 20 to 40 ईयर की एज में ये डिजीज ज़्यादा होती है और मेल में ज़्यादा होती है कंपेरिजन फीमेल। अब बात करती है इसके इटियोलॉजी की, तो देखो इसका इटियोलॉजी है ना मैक्सिमम अननोन ही होता है ना, अननोन इटियोलॉजी होता है। फिर भी स्मोकिंग हो सकती है या फिर लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप हो सकता है या ऑटो इम्यून ओवर एक्टिविटी हो सकती है या फिर फैमिली प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है ना, कोई फैमिली में पहले है तो भी हो सकती है, तो फैमिली प्रीडिस्पोजिशन। ओके, ये हो गए इसके इटियोलॉजी। मेन याद रखना है अननोन और स्मोकिंग टोबेको, इनके सेवन से ये मतलब डिजीज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करती है क्लिनिकल फीचर की, तो क्लिनिकल फीचर में देखना, क्लिनिकल फीचर में क्या है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, ज़्यादा चलेगा फिरेगा तो पेन होगा और रेस्ट पेन भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, ये याद करना है तुम्हें, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ज़्यादा चलेगा फिरेगा तो पेन ज़्यादा होगा और रेस्ट पेन भी हो सकता है। और रेनोड फिनोमिना, अब ये रेनोड फिनोमिना क्या होता है, देखो लिमिटिंग ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई रिड्यूज होने के कारण बॉडी पार्ट जिसमें भी ये डिजीज हुई है ना, या तो लोअर लिम या अपर लिम, वहाँ पे नंबनेस और कूल रहेगा, कूल फील होगा, नंब और कूल फील होगा ड्यू टू ब्लड क्लोटिंग होने के कारण, ब्लड सप्लाई रुक गई तो उस पार्ट में, बॉडी के उस पार्ट में क्या फील होगा, नंब और कूल फील होगा ना, उसको बोलते हैं रेनोड फिनोमिना। तो सम एरिया ऑफ बॉडी फील करती है नंब एंड कूल ड्यू टू लिमिटिंग ब्लड सप्लाई, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग हो गई है ना, तीनों लेयर है उनमें इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होने से ब्लड क्लोटिंग हो गई, थ्रम्बोसिस हो गया और ब्लड क्लोटिंग होने के कारण ब्लड सप्लाई रिड्यूज हो गई और इसलिए बॉडी के उस पार्ट में नंबनेस फील होगी और कूल फील होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रेनोड फिनोमिना। फिर गेंग्रीन, गेंग्रीन एंड अल्सरेशन हो सकता है। अब ये गेंग्रीन क्या होता है, तो देखो डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, वही है थ्रम्बोसिस हो गया, थ्रम्बोसिस होने से ब्लड सप्लाई रिड्यूज हो गई इसीलिए बॉडी के उस पार्ट में है ना, उस पार्ट के टिश्यू की डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ द बॉडी टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, इसको बोलते हैं गैंग्रीन।
या फिर अल्सरेशन, ठीक है, फिर स्किन एट्रोपी हो जाएगी। अब ये स्किन एट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ एनी ऑर्गन और टिश्यू, है ना, उसको बोलते हैं एट्रोपी। फिर नेक्स्ट है ये स्किन एट्रोपी हो गई, और फिर थ्रोम्बोफिलिबिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है तुम्हें, थ्रोम्बोफिलिबिट्स, ये क्या होता है, वेन में स्वेलिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिबिट्स, थ्रोम्बोफिलिबिट्स, ठीक है। और कोल्डनेस रह सकती है, और टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन रह सकता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर कि इंटरमीटेंट क्लाउडिकेशन रहेगा, पेन रहेगा एक्सरसाइज के दौरान, और रेस्ट पेन भी हो सकता है, रेनोड फिनोमिना, नंबनेस और कूल फील होगा लिमिटिंग ब्लड सप्लाई के कारण, और गैंग्रीन हो सकता है, मतलब बॉडी टिश्यू की डेथ हो सकती है, ड्यू टू बॉडी टिश्यू की डेथ हो सकती है ड्यू टू रिड्यूज ऑफ ब्लड सप्लाई या लेक ऑफ ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो। और फिर क्या हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, स्किन एट्रोपी हो सकती है, और थ्रोम्बोफिलिबिट्स हो सकता है, वेन में स्वेलिंग आ सकती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिबिट्स, और कोल्डनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर। इसमें एक तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन याद करना है, रेनोड फिनोमिना याद करना है, गैंग्रीन याद करना है, और एक याद करना है थ्रोम्बोफिलिबिट्स, ये चार इसके मेन फीचर होते हैं, याद करने हैं तुम्हें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में देखो आर्टेरियोग्राफी करवा सकते हैं, है ना, और फिर बर्गर पोस्चुरल टेस्ट करवा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है बर्गर पोस्चुरल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स को चेक करवा सकते हैं, और यूएससी भी करवा सकते हैं, ओके। इसमें बर्गर पोस्चुरल टेस्ट याद करना है तुम्हें, और एक याद करना है आर्टरी की डिजीज है, आर्टरी या वेन ब्लड वेसल की, इसीलिए आर्टेरियोग्राफी करवाएंगे अपन, ठीक है। फिर बात करते हैं टीटी ट्रीटमेंट की। तो देखना सबसे पहले कोई भी डिजीज हो उसका अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वोमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक ड्रग दे देंगे, अगर फीवर हो रहा है तो एंटी पायरेटिक दे देंगे, और अगर पेन हो रहा है तो पेन एनाल्जेसिक दे देंगे, है ना। तो देखना अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे अपन, एवॉइड स्मोकिंग और टोबाको, है ना, इसका मेन कोज था, वैसे तो अननोन थी लेकिन मेन कोज स्मोकिंग था, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे, और अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, है ना, बताया था ना इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, है ना, और रेस्ट पेन भी कभी कभी हो सकता है, तो एनाल्जेसिक दे देंगे, और मेडिसिन दे देंगे इम्प्रूव ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने वाली, क्योंकि इसमें ब्लड क्लोटिंग हो रहा था, ब्लड क्लोटिंग होने के कारण ही रेनोड फिनोमिना देखने को मिल रहा था, गैंग्रीन देखने को मिल रहा था, है ना। और नेक्स्ट एस्पिरिन दे देंगे, प्रिवेंट ब्लड क्लोट को रोकती है ये, है ना। अगर सीवियर बर्जर डिजीज है तो कौन सी मेडिसिन देंगे, बोसेंटोन मेडिसिन देने के, इंपॉर्टेंट है ये याद करना, एक मेडिसिन अगर सीवियर है बर्जर डिजीज है तो बोसेंटोन मेडिसिन दे देंगे, ठीक है। अब कुछ वेसोडाइलेटर्स भी देंगे, है ना, वेसोडाइलेटर्स भी देंगे, क्योंकि देखो इसमें ना लुमेन है ना, लुमेन नेरो हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, तीनों लेयर होती है ब्लड वेसल की, उनमें स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो जाता है, और फिर जो लुमेन होती है वो नेरो हो जाती है, इसीलिए वेसोडाइलेटर्स देंगे। कौन कौन सी है, हाइड्रेलाजिन दे सकते हैं, याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ना ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, वेसोडाइलेटर्स के अलग से भी पूछ लेते हैं कि वेसोडाइलेटर्स के नाम लिखिए, तो हाइड्रेलाजिन दे सकते हैं, और मिनोक्सीडील दे सकते हैं, मिनोक्सीडील, हाइड्रेलाजिन और मिनोक्सीडील, और लिसिनोप्रील दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, या नाइट्रोप्रियोसाइड दे सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोप्रियोसाइड। तो ये वेसोडाइलेटर्स के नाम याद करने हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रोप्रियोसाइड, है ना, नाइट्रोप्रियोसाइड और लिसिनोप्रील दे सकते हैं, मिनोक्सीडील दे सकते हैं, और हाइड्रेलाजिन दे सकते हैं, हाइड्रेलाजिन, मिनोक्सीडील, लिसिनोप्रील, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रोप्रियोसाइड, ये मेन वेसोडाइलेटर्स है, है ना, ये दे सकते हैं। फिर एम्पुटेशन भी कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, एम्पुटेशन का मीनिंग होता है बॉडी पार्ट को रिमूव कर देना, हटा देना, है ना, बॉडी पार्ट को रिमूव कर देना, जो भी इस डिजीज से अफेक्ट बॉडी पार्ट है ना उसको रिमूव कर देना, रिमूव ऑफ बॉडी पार्ट, उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। तो इसमें एम्पुटेशन भी कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।